वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम कुछ अलग बना रहे हैं, तो फिर देखते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। नमस्कार। आज मैं आपको एक अलग सी, बहुत अलग सी चीज़ बनाने के लिए बता रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया क्या है, 5 आलू लिए हैं बॉइल्ड। इनको मैंने कद्दूकस कर लिया था। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अरारोट, मीडियम साइज के 5 आलू थे। अरारोट हमें थोड़ा ज़्यादा से डालना है, मतलब ये वाली चम्मच 5 से 6 डाली है मैंने। इतना हमने अरारोट लिया है। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार। इन सब का हम मैच कर लेंगे। अब मम्मी ने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको थोड़ा सेट कर रहे हो। थोड़ा आपको इसको ना ऐसे थोड़ा चिकना सा करना है इसे। इसे हम एक तरफ रख देंगे। अभी तक हमने थोड़ी सी फूलगोभी ली है। आपके पास कोई भी सब्जी, आप कोई भी ले सकते हैं, गाजर हो, शिमला मिर्च हो, गोभी, प्याज, कुछ भी ले सकते हैं इसमें आपको। तो इसे हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, जैसे इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है तो हम इसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। ये हमने घिसी हुई गोभी ली है, घिस ली थी हमने गोभी को, कच्ची गोभी है ये। बारीक 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 हमने इसको घिस लिया था। अब इधर हमने थोड़ी हरी हरी धनिया की मिर्च, पत्तियां हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, ये हमने घिस लिया था। अदरक को हमने बारीक करके घिसा था। ये सब हमने इसमें मिला दिया है। आपको एक तरह से फिलिंग तैयार करनी है, चाहे आप उसमें कोई भी सब्जी की फिलिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फूलगोभी डालनी है, आप शिमला मिर्च इसमें नमक आप स्वाद ध्यान से अनुसार ही डालना, डालिएगा, क्योंकि क्योंकि हमने इसमें भी डाला हुआ है नमक। आलू में भी नमक डाल रखा है पहले। थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। थोड़ी सी हम खटाई डाल देंगे इसमें। बस अब हम इस सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये आपको ऐसी 2 पॉलीथीन ले लेनी है, एक ऐसी एक ये। और आपको पॉलीथीन पे अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगाना है। आप रिफाइंड लगा सकते हैं, सरसों सरसों का तेल लगा सकते हैं, कुछ भी। आपको इन दोनों को चिकना करना है। हम एक ही साइड पे ऑयल लगा रहे हैं। अब आपको ये, आपने जो आलू का ये तैयार करा था, डो जो हमने तैयार किया है इसकी आपको 2 बड़ी बड़ी पुड़ियां तोड़ लेनी है। इसे आपको ऐसे बीच में रख के, इसके ऊपर एक पन्नी रख के, अब पन्नी हमने उस साइड से रखी है जिस साइड से हमने तेल लगाया था। आप कोशिश कीजिएगा इसे आप थोड़ा स्क्वायर शेप दे सकें। और थोड़ा हमें मोटा रखना है, पतला नहीं मोटा करना। रखना है और थोड़ा स्क्वायर शेप देनी है इसकी, गोल नहीं इसको हम करनी। फैला सकते हैं, आप कटोरी की मदद से भी कर सकते हैं। कटोरी से भी कर सकते हैं आप इसे। अगर आपकी स्क्वायर शेप नहीं आती, आप थोड़ा सा इसको ऐसे करके, इसके बाद आप कट करके इसको स्क्वायर शेप दे दीजिए। हमें पतला नहीं रखना है, मोटा रखना है। अगर साइड में से पतला हो जाता है कुछ नहीं, हम उसको इसको कट कर कट लेंगे। कट करना है हमें से। इधर इसको स्क्वायर की शेप में इसको कर लेंगे। इसको आपको काटना है। रेक्टेंगल होता है तो कुछ कोई बात नहीं, एक परफेक्ट शेप आनी चाहिए। चाहे आप स्क्वायर कट करें, चाहे रेक्टेंगल कट करें, एक परफेक्ट शेप आनी चाहिए। इसको हम कर देंगे साइड। जितना आप अच्छे से ऑयल लगाएंगे उतना आपको इजी रहेगा, वरना वो चिपकेगा और आपका ठीक से कट भी नहीं हो पाएगा। ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर हमारा कट हो चुका है। ये इसी तरह से हम
एक और पॉलीथीन लेनी है हमें, क्योंकि हमारे को ये बनाने हैं रोल। तो जैसे हमने पहले दो ली थी, अब हम एक और लेंगे। इसमें हमने ऑयल लगा लिया है, इस पे भी हम करेंगे ऐसे ही स्क्वायर, हम इस पे भी बना देंगे। देखिए इतना ही मोटा आपको रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है वरना आपको दिक्कत करेगा वो। इस इधर हमने एक और पॉलीथीन ले ली है, इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लगा दिया था। एड़ी पे भी आप थोड़ा सा लगा लीजिए और जिससे वो चिपके ना। इस पे भी हमने ऑयल लगा लिया है, जिस साइड से हम पेड़ी के ऊपर इसको रखेंगे। आप थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर देंगे। अब इसे भी हम चाकू के से काट लेंगे, इसको भी हम कट कर लेंगे। कोशिश करके आप वही शेप रखिए जो उतनी है, इतनी है। थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ट्राई करेंगे कि जितनी शेप हमारी ये पहले वाले की थी इस वाले की, तो वैसे शेप हमारी इसकी भी हो। आपको थोड़ा अंदाजा लगा के कर लेना है। लगभग ये वही साइज का हमारा स्क्वायर कट हुआ है, जिस साइज का थोड़ा सा बड़ा छोटा भी होता है कुछ नहीं होता वो हमारे को, क्योंकि इसमें फिलिंग करनी है तो वो साइडों में से बंद हो जाएगा तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा ये वो। तो हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि एक फिनिशिंग आ जाती है और डिश भी अच्छी लगती है। ये हो गया, देखिए हमारे दोनों आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। आलू के हमने स्क्वायर कट कर लिए हैं, आलू की पिट्ठी जो हमने बनाई थी। अब हम आगे का आपको दिखाते हैं। मैं दोनों स्क्वायर काट लिए, आपको कोशिश करके बड़े वाला नीचे की साइड रखना है, बेस की साइड। अब हम आपको ये फिलिंग जो हमने बनाई थी वो इसमें भर लेनी है, चारों तरफ आप फैला लीजिएगा इसे। अच्छे से हमें फिलिंग भरनी है और हर साइड में हमें फिलिंग भरनी है। इतनी करनी है कि बस वो बाहर ना निकले, इस तरह से आपको भरनी है फिलिंग, क्योंकि हमारे को इसके ये कोने भी बंद करने हैं। देखिए ऐसे आपको फिलिंग लगानी है। अब हम फिर दो दूसरा पीस है हम इसके ऊपर रख देंगे। आपको कोशिश करके इसको कवर कर लेना, जितना भी आपका अच्छे से कवर हो जाए अच्छा है। छोटे और बड़े तो वो हो ही जाएंगे पीस आपके, नॉर्मल सी चीज़ है। देखिए हम इसको ऐसे करके बंद भी कर लेंगे, बस आपको ज़्यादा इसको पतला नहीं करना और थैली को बड़े आराम से इसको ऐसे निकाल देना। इधर हम तवे को ऑन कर लेंगे, तवे को हमने गरम कर लिया थोड़ा सा तेल लगा के, रिफाइंड ऑयल लगा के। ये मम्मी ने तवा गरम कर चुकी है, मम्मी ये रिफाइंड ऑयल लगा रखा है। आप थोड़ा सा ज्यादा लगा लीजिएगा, हाथ पे ले लीजिए आराम से, हाथ पे आ जाएगा ये वैसे आराम से। देखिए और ऊपर वाली साइड हम ऐसे रखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा घी डाल के हम इसको कवर कर देंगे। इससे आपको चारों तरफ इसमें ऑयल डाल देना है, ऊपर भी हम आलू के ऊपर भी ऑयल डालेंगे। अब हम इसे
आपके पास कोई भी ढक्कन होगा उससे आप ढक दीजिए ये थोड़ा सा, और इसकी आपको फ्लेम जो रखनी है लो टू मीडियम रखनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ये सीकेगा आपका। तो फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारा कैसा सीका है। हमने लोही कर रखी है फ्लेम, क्योंकि आप तवे के हिसाब से अपना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तवा काफी गर्म है तो हमने लो कर रखी है। हम ये दूसरे वाला भी ऐसे ही बना लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हमारे नीचे से भी सीख चुका है। देखिए देखिए कितना प्यारा सीखा है दोनों तरफ से हमारा। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा पीस भी तैयार कर रहे हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे उतार देंगे, ये देखिए कितना अच्छा सीखा है हमारा। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। हमारा दूसरा पीस भी तैयार हो चुका है। अब इसे हम तवे पे फिर से घी डाला है, इसको ऐसे मम्मी हाथ पे उतार लेंगी और फ्रंट साइड ही हमें डालना है। देखिए ऐसे फ्रंट साइड ऊपर रख के इसको रखना है ऐसे, और फिर से हम कवर कर देंगे, घी डालेंगे आलू के ऊपर और चारों तरफ थोड़ा सा। ऊपर तो आपको डालना ही डालना है, क्योंकि फिर हम पलटेंगे और फिर हम इसको कवर करेंगे तो वो आराम से सिक जाता है वो। तो इसे आपको कवर कर देना और 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपको इसको रख देना, फिर हम 2 मिनट बाद चेक करेंगे इसे। 2 मिनट हो गए थे, मैंने इसे पलट लिया है और इसमें मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेका है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर और शेड आ रहा है। अब इधर से भी मैं 2 मिनट के लिए सेक लूँगी इसे ढक के। हमने इसे ढक दिया, ये देखिए हमारा दूसरा पीस भी सीख के बिल्कुल तैयार है, करारा है। देखिए कितना अच्छा सीख गया। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब इसे आप गरम गरम इसमें गरम मसाला डाल दीजिए थोड़ा सा। अब इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये। आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि ये आलू का आमलेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंडे का तो लोग बाग नहीं खाते, बहुत कम जने खाते हैं, तो आप इसे आलू का आमलेट भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल वही लुक आ रही है, वही लुक आ रही है। देखिए आप इसमें आप प्याज की फिलिंग भी कर सकते हैं, प्याज लहसुन अदरक की भी सिर्फ फिलिंग कर सकते हैं इसमें, पर ये बहुत एक अलग सी चीज़ बनाई है हमने। आप भी ज़रूर बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये खाने में। तो ये एक तरह से हमारा वेज आमलेट है जो कि बिना अंडे के हमने बनाया है। देखिए ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए। और ये भी कहा जाता है कि आलू और आंवला, वो आलू और जो अंडा होता है वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, मतलब दोनों में उतनी ही ताकत होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं वो दोनों। तो जो अंडा नहीं खा सकते वो ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए तो ये थी आज की एक छोटी सी रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। बाय।